सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग मजे कर रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे। सो थंबनेल में तो आप लोग देख ही लिए होगे कैसा एडिटिंग आज होने वाला है। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई आज का एडिटिंग ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल की फोटो एडिटिंग होने वाली है, जो मैंने मोबाइल से किया। एवं बिफोर आप लोग देख लो भाई, एवं बिफोर मैं आप लोग दिखा दूँ जो लेफ्ट साइड में है वो कितना खराब पिक है, और आफ्टर आप लोग राइट साइड में दिख ही रहा होगा। देखिए बिफोर एक बार देख लीजिए। मैं क्यों दिखा रहा हूँ बिफोर, क्योंकि जब आप भी लोग एक छत पर क्लिक कराओगे ना भाई फोटो नॉर्मल, तो आप भी लोग का बिफोर ऐसा ही होगा, ठीक है। लेकिन जब एडिट करूंगा ना आज स्नैपशीट्स ऐप से, तो आप लोग का आफ्टर कुछ ऐसा होगा जैसे आप लोग का राइट साइड में दिख रहा है। कैसे मैंने कलर मैचिंग किया, कैसे सारा कुछ किया, सारा कुछ मैं स्नैपशीट से किया हूँ, ठीक है। डोजन बर कलर मैचिंग, बैकग्राउंड चेंज, मतलब सब कुछ मैं ना स्नैपशीट से किया हूँ। बट कैसे मैंने किया ये आज की वीडियो में मैं बताऊंगा, बस लास्ट तक देखते रहना आज की वीडियो को। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्नैपशॉट मैं ओपन कर लियो। यहाँ पे मैं डबल एक्सपोजर में जाऊँगा क्योंकि हमको बैकग्राउंड ऐड करना है, ठीक है। जो छत पे बैठा है ना उसके पीछे हम लोग को बैकग्राउंड ऐड करना है, तो यहाँ से ऐड फोटो में जाएंगे। और जो बैकग्राउंड मैं ऐड कर रहा हूँ उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये वाला बैकग्राउंड का, ठीक है। आप लोग डाउनलोड कर लेना। इस बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद ना आप लोग कुछ एडजस्टमेंट करना, मतलब सबसे लास्ट वाला ऑप्शन में जाने के बाद ऑपेसिटी फुल कर देना है। ऑपेसिटी फुल करने के बाद इसको ना थोड़ा सा एडजस्ट करना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग थोड़ा घसका लेना और थोड़ा सा जूम कर लेना इसको, और उसके बाद राइट साइड से डन कर देना नीचे से, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है ना, ऊपर वाले ऑप्शन में जाना है और व्यू एडिट्स में क्लिक करना है, फिर डबल एक्सपोजर क्लिक करने के बाद बीच वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है, ठीक है। अब हम लोग को घिसना है अपने बैकग्राउंड के पीछे, ठीक है। जैसे आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, देखिए मैं घिस रहा हूँ, वैसे मैं जल्दी जल्दी घिस लेता हूँ ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए मैं फटाफट से घिस ले रहा हूँ, आप लोग एकदम परफेक्शन के साथ घिसना, ठीक है। अपने फोटो को एकदम अच्छा से, मतलब कि टाइम देकर भाई, क्योंकि टाइम दोगे तभी आप लोग का फोटो अच्छा बनेगा, नहीं तो आपका फोटो बहुत ही खराब होगा अगर हड़बड़ाओगे तो। देखिए मैं हड़बड़ाया, देखिए यहाँ पे गलती हो गया, इसलिए भाई मैं आराम आराम से कर ले रहा हूँ, थोड़ा वीडियो में काटूंगा, ठीक है। और काटने के बाद बताऊंगा भी मैं कहाँ कहाँ किया हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पे कर ले रहा हूँ, देखिए जैसे आप लोगों को दिख रहा है, तो आप भी लोग एकदम अच्छे से कर लेना। इस बैकग्राउंड का लिंक डिस्क्रिप्शन में लेना। तो चलिए मैं फटाफट से कर लेता हूँ। सो गाइस, काफ़ी समय करने के बाद यहाँ पे देखिए हम लोग का फोटो एडिट हो गया है। यहाँ पे देखिए मैं पीछे अपने बैकग्राउंड को दे दिया हूँ, यहाँ आँख से दिखा रहा हूँ, जहाँ जहाँ लाल लाल आपको फील दिख रहा है वहाँ वहाँ मैं उस बैकग्राउंड को घसा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा बच गया, तो यहाँ पे मैं जूम करके कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी हो गया। सो यहाँ पे जो लाल लाल शो हो रहा है ना हम लोग का, लाल लाल बोल रहा हूँ, रेड रेड जो भी है, तो वहाँ पे मैं घिसा हूँ। तो आप भी लोग अपना छत और मॉडल को छोड़कर जो पीछे का बैकग्राउंड है उसमें इस बैकग्राउंड को पूरा घिस लेना अच्छे से। तो मैं काफ़ी समय करने के बाद घिसा इसको, मतलब किया हूँ। अब हम लोग राइट साइड से डन कर देंगे नीचे से, ठीक है। तो चलिए मैं राइट साइड से डन कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं आ देता हूँ बैक। तो अब हम लोग को क्या करना है गाइस, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। फिर से वापस से हम लोग देख लिए, दिखा दे रहा हूँ, वापस से टूल्स वाला ऑप्शन में जाना है। अब हम लोग को जाना है सिलेक्टिव में, क्यों? क्योंकि हम लोग का फेस हो गया काफ़ी ख़राब, मतलब हो गया क्या, जब आप लोग नॉर्मल कैमरा से फोटो क्लिक करोगे तो काफ़ी ख़राब फेस रहेगा। तो आप लोग सिलेक्टिव का यूज करके ना अपने फेस में थोड़ा ब्राइट ला लेना, ठीक है, जैसे मैं ला रहा हूं। और इस फोटो में ना मैं जहां जहां बॉडी पार्ट है ना, मेरा हैंड, दोनों हैंड पर और जो फेस है ना वहाँ पे ना मैं इसको कर लूँगा। यहाँ पे मेरे से गलती हो जाता है, यही वाला घसक के मेरे से ना नीचे आ जाता है, तो मैं इसको क्या करता हूँ ना वापस से घसका के इसको हैंड पे ले आकर रख देता हूँ। तो आप लोग कोई गलती मत करना, आप लोग एकदम अच्छे से देखना, ठीक है। उसके बाद हम राइट साइड से डन करेंगे। अब देखिए हमारा फेस थोड़ा सा ब्राइट हो गया, ठीक है, पहले से ज़्यादा। और हम लोग अभी ना कलर मैच करना, तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से हम लोग जाएंगे हीलिंग में। तो कलर मैच तो अभी नहीं करेंगे, सबसे पहले अभी फेस पे काम करना है। तो फेस के लिए हम हीलिंग चूज़ किए अभी सिलेक्टिव के बाद। तो हीलिंग क्या क्या काम करता है भाई, हीलिंग आपका अगर फेस में पिंपल दाग वगैरह होगा ना, तो आप लोग टैप करके ना उसको ना हटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस इनके फेस में तो उतना है नहीं, ठीक है, राज फोटोग्राफी जी का इनका जो फोटो है, इनके फेस में उतना पिंपल है नहीं, फिर भी मैंने हीलिंग का यूज़ किया, क्योंकि भाई कोई गलती नहीं छोड़ना आप लोग को फोटो एडिटिंग में, ताकि लगे कि हाँ भाई एकदम एकदम रियलिस्टिक एकदम है, ठीक है। इसीलिए मैं ये एडिटिंग बता रहा हूँ। अब हम लोग क्या करना है भाई, यहाँ से ना हम लोग को जाना है भाई ब्रश में, क्योंकि डोजन बर्न इफेक्ट देंगे, क्योंकि हम मैं पहले ही बोला हूँ अभी फेस पे काम चल रहा है, तो फेस सबसे पहले हम लोग फेस पे ही काम करेंगे। तो यहाँ से जब डोजन बर्न खोलोगे ना, तो यहाँ से पाँच रख लेना, देखिए नीचे लिखा होगा एरो, उस पर आप लोग पाँच रखना, ठीक है, दस मत रखना। उसके बाद ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आप लोग को इफेक्ट पता नहीं चल रहा हो, लेकिन अभी बिफोर आफ्टर दिखाऊंगा ना तब पता चलेगा, देखना। ऐसे ऐसे आप लोग जहाँ जहाँ आप लोग को बर्न इफेक्ट डोज देना पड़ेगा ना, डोज देना है तो आप लोग दे देना वहाँ पर। अभी नहीं पता चल रहा, देखिए मैं अभी बिफोर आफ्टर दिखाऊंगा तो शाइनिंग की तरह पता चलेगा, ठीक है। तो ऐसे आप लोग लेकर ना डोज इफेक्ट दे देना अपने, मतलब कि पूरा इसमें, देखिए अब पता चल रहा है, देखिए पहले कैसे था अब कितना साइन कर रहा है। तो ये काफ़ी इफेक्ट बहुत ही सुंदर होता है हमारे फोटो में, मतलब कि बहुत ही साइन करता है हमारे फोटो में, तो इसका यूज़ ना आप लोग जरूर करना, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो उसके बाद हम लोग राइट साइड से डन कर देंगे। अब हम लोग का कुछ स्टेप है जिसको फॉलो करना है। अब हम लोग यहाँ से ना लेंस ब्लर में जाएंगे, क्यों भाई, क्योंकि हमको फेस को करना है स्मूथ। तो यहाँ से लेंस ब्लर जब ले जाओगे तो उसको उठा कर नीचे रखना, भिगने स्टेंस छोटा कर लेना, और इसको ब्लर ट्रांजेक्शन भी छोटा करना, और ब्लर स्ट्रेंथ 24 रखना, ठीक है ना,
ठीक है भाई, न ज़्यादा ना बेसी। 24 रखने के बाद आप लोग क्या करना, वापस वही स्टेप फॉलो करना है जो ऊपर ऑप्शन है ना, बीच वाला ऊपर वाला, उसमें जाना है और व्यू डिटेल्स में क्लिक करना है। फिर से लेंस ब्लर में क्लिक करने के बाद बीच वाला ऑप्शन को चूज़ कर लेना। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसको जूम करेंगे और फेस को अपनी स्मूथ करेंगे। देखिए कैसे स्मूथ कर रहा हूँ, सारा स्टेप अगर आप लोगों को फॉलो करना है तो सारा स्टेप फॉलो करना भाई, क्योंकि आप लोग का फेस भी थोड़ा ख़राब ही होगा अगर आप लोग कैमरा से फोटो क्लिक करोगे नॉर्मल कैमरा से। तो ऐसे तो नॉर्मली सबका फेस थोड़ा सा डल ही होता है भाई, इतना स्मूथ हमारा फेस होता नहीं जब हम लोग कैमरा से फोटो क्लिक करते हैं। तो भाई आप लोग लेंस ब्लर का यूज़ करके ना अपने फेस को स्मूथ कर सकते हो। ठीक है, देखिए एकदम परफेक्ट जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग करना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं फटाफट से अपने फेस को स्मूथ कर लिया हूँ। देखिए अपने हैंड पार्ट, अपने गर्दन, जहाँ जहाँ पे हम आप लोग का बॉडी होगा ना, वहाँ वहाँ पर आप लोग स्मूथ कर लेना। ठीक है, यहाँ पर ऐसे कुछ इस प्रकार से। सो यहाँ पे ना भाई आप लोग देख पा रहे हो कि बहुत ही अच्छा से हमारा मतलब कि ये हैंड वैंड वगैरह वगैरह जितना भी हमारा बॉडी पार्ट है बहुत ही अच्छे से हम लोग का यहाँ पे स्मूथ हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आँख से देख लेंगे भाई कहाँ का स्मूथ हमने किया है, उसके बाद हम लोग राइट साइड से डन कर देंगे, यहाँ से आ जाएंगे बैक। तो अब हम लोग को क्या करना है ना, मैं बता रहा हूँ आप लोग क्या करना है। अब हम लोग को ना मैच करना है, क्योंकि बैकग्राउंड से ना थोड़ा फोटो मैच नहीं कर रहा, जो पीछे का जो आसमान और घर उर का बैकग्राउंड है ना उसे मैच करना है। तो हम लोग यहाँ से ना सिलेक्टिव में जाएंगे, वापस हम लोग अभी फेस को मतलब कि बैकग्राउंड से थोड़ा मैच करेंगे, क्योंकि थोड़ा ख़राब फेस है हम लोग का। तो यहाँ पे ना फिर से हम लोग बॉडी पार्ट है ना उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ब्राइट बढ़ाएंगे। ठीक है, ब्राइट बढ़ाएंगे, जितना स्टेप है ना गाइस सारों को अच्छे से फॉलो करो, एकदम अच्छे से फोटो बनाओ। अभी लोग नॉर्मल फोटो क्लिक कराओ एकदम छत पर बैठ कर और भाई ऐसे ही फोटो बनाओ, मस्त रहेगा। और मुझे अभी तक इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम फॉलो करने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। तो उसके सिलेक्टिव करने के बाद ना गाइस यहाँ से हम लोग ब्रश में जाएंगे और डोज इफेक्ट देंगे, फिर से 5 पे रखेंगे, आप लोग दिख ही रहा होगा। फिर से वापस हम लोग डोज इफेक्ट दे रहे हैं, देखिए फिर से मैं दिखाऊंगा कैसे साइन करेगा, देखिए हमारा फोटो फिर से मैं दिखाऊंगा, क्योंकि डोज इफेक्ट ना बहुत ही मतलब मैटर करता है हमारे फोटो एडिटिंग में। इसको अगर नहीं दोगे ना तो फोटो मतलब फीका फीका से लगेगा आपको फोटो। एक बार इसको यूज़ करके देखना अगर अभी तक नहीं की हो तो, अब करते हो यूज़ तो भाई बहुत बढ़िया है भाई, ऐसे यूज़ करते रहना। तो देखिए मैं अभी दिखाऊंगा डोजन बन से, देखिए अभी साइन करूंगा, ये देखिए कितना कमाल का लग रहा है, इससे एकदम साइन कर रहा हमारा फोटो। तो भाई ऐसा ही बनाना है आप लोगों को फोटो। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा है, अभी और मैच करना है तो विंटेज में आएगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन है ना वो वाला फिल्टर हमको चूज़ करना है, यहाँ से ना स्टाइल विग्नेट को थोड़ा सा कम करना है, 10-8 रखना है, तीनों को 8 रखना है। ठीक है, तीनों को 8 रखना है, 8-7 के लगभग रखना है। ठीक है, तीनों को सिचुएशन 8 बस। इसके बाद ना इस फिल्टर को देखने के बाद हम फोटो में अलग ही एकदम फेदर वाला लुक आ रहा है, एकदम मस्त वाला लुक है। इसके बाद हम लोग वाइट बैलेंस में जाएंगे और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाएंगे और टिंट बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए अब कितना मस्त लग रहा है, एकदम थंबल में जैसा फोटो दिया था वैसा फोटो हमारा एकदम बन गया है। ठीक है, आप लोग दिख रहा है, और भी कुछ थोड़ा सा स्टेप उसको फॉलो करेंगे और कमाल की फोटो हमारी बन जाएगी। तो इसको करने के बाद ना राइट साइड से डन कर देंगे, अब देखिए हमारा बैकग्राउंड से हमारा फोटो मैच करा गया। अब हम लोग को फिर से डबल एक्सपोजर में डाला और एक लेंस पेंज हम लोग यूज़ करेंगे। मैं पहले ही बता दूंगा जितना कुछ भी स्टॉक मैं यूज़ करूँगा ना इस फोटो में, सारा लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, और सिंपल जाना उसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ से ना मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज होता हूँ कि ऐड रखूँ कि लाइटन रखूँ, बट भाई आपका भाई को जो पसंद लगता है आपका भाई वही रखता है। तो यहाँ से ना मेरे को लाइटन रखने का लाइटन मतलब ऐड मैं करके देखता हूँ, एक्सपीरियंस मतलब ये करता हूँ, रिसर्च करता हूँ कि ऐड अच्छा रहेगा कि नहीं, लेकिन लाइटन ही पसंद आया क्योंकि अगला फोटो जब मैं एडिट किया था तो लाइटन किया था, इसलिए मैं यहाँ पर लाइटन ही रखता हूँ। ठीक है, क्यों मैं चेंज करूँ भाई, जो किया था वही करूँगा। तो यहाँ पे ना मैं ऐड ऐसे करके देखता हूँ क्या होता है। तो लाइटन में कर दिया यहाँ पे, लाइटन आप भी लोग कर देना इस लेंस पे यूज करने के बाद। ठीक है, उसके बाद ना यहाँ से सिलेक्टिव जाता हूँ, उसी लेंस पे रखने के बाद यहाँ से थोड़ा सा छोटा करता हूँ दोनों हाथ से और ब्राइट को बढ़ाता हूँ, ताकि ना जो लेंस पेंज है ना वो काफ़ी मतलब निखर कराए, और नीचे में भी मैं ब्राइट बढ़ाता हूँ ताकि उसका जो रोशनी पड़ा ना वो घर पर भी पड़ रहा है, इसलिए वहाँ पे भी ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि वो एकदम रियलिस्टिक और एकदम मतलब अच्छा लुक देना हमारे फोटो में, ताकि हम लोग को लगे ना कि ये फोटो फेक है। ठीक है भाई, और मैं बता दूं कि फिर से हम लोग को इसी स्टेप को फिर से फॉलो करें, फिर से विग्नेट में जाना विंटेज में और वही फिल्टर को चूज़ करना, और थोड़ा सा इसमें क्या करना ना स्टाइल स्ट्रेंथ 10-8 लगभग 4 के बराबर बढ़ाना है, ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमारे फोटो में कितना कमाल, फिर से हम लोग को वाइट बैलेंस में जाना है। ठीक है, वही वाला स्टेप, बस आप लोग स्टेप फॉलो करते रहना, आप लोग फोटो एकदम कमाल का एडिट हो जाएगा भाई। ठीक है, और एडिट हो जाएगा तो भाई इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना है, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, हमको पता है आप लोग सब्सक्राइब लाइक कर चुके हो, और कमेंट में तो अपना राय भर देना, एकदम भर भर के कमेंट देना, ताकि मैं आपका नाम पढ़ पाऊँ कि हाँ भाई चलो इस बंदा ने कमेंट किया है, और आपको हेड्स और रिप्लाई दे पाऊँ। ठीक है, तो कमेंट जरूर करना। तो यहाँ पे देखिए हमारा फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ कि कमेंट कर देना, और लाइक तो कर ही चुके हो, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, गुड बाय।